जी तो ये मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगी कि आपके लीडर्स, आपकी कोर कमेटी जो जी जान लगा रही है आपके लिए, आप बस वैसे ही उनकी बात मान लीजिए, वैसे ही उनको फॉलो कर लीजिए जैसे अर्जुन ने कृष्ण जी को किया था। फिर उसके बाद आपका सबका काम हो जाएगा, आप लोग जीवन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने तो देखा है, मैं सबसे, क्योंकि फोन पे भी बात हो रही है, मैं मिली भी हूँ सबसे दूरी में। अगर मैंने ये फील किया उस टाइम जब मैं उनसे मिली, सबसे मिली, कोर कमिटी से मिली, जेके जैन जी से मिली, मैंने ये फील किया कि अपने परिवार से भी ज्यादा वो आप लोगों की चिंता करते हैं। जिस लेवल पर वो हैं, उस लेवल पर शायद उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पर वो जितनी मेहनत कर सकते हैं उससे डबल मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप अपने गुरु को जो वो कह रहे हैं बस उनके पीछे लग जाइए, और कामयाबी तो अपने आप उसका बाय प्रोडक्ट आपके पास आ ही जाएगा। जिस हिसाब से सभी आपके गुरु लगे हुए हैं आपको ज्ञान दिलवाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, क्योंकि उन्हें तो पता है कि ज्ञान ही सफलता के खजाने की चाबी है, तो इसीलिए वो ज्ञान पे, नॉलेज पे फोकस कर रहे हैं। और आप लोगों की लैंग्वेज में अगर बोला जाए, जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज फुल, वो है सक्सेसफुल। तो वो आपको सक्सेसफुल बना के ही छोड़ेंगे, तो इसका मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो आज जो हम नॉलेज लेने के लिए आए हैं, नॉलेज देने के लिए जो जेके जैन जी ने हमें यहाँ पर बुलाया है, तो वो नॉलेज मैंने देनी है आज आपको। ईशा वशिष्ठ है मेरा नाम, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आज का, उसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट की नॉलेज। जैसे जेके जैन जी ने भी बोला कि आप अगर किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं या आप खुद ले रहे हैं, जो भी सवाल आपको आए, आपके पास उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए उन सवालों का जवाब देने के लिए। तो हम इस भाग में पूरे वो सवालों के जवाब तैयार कर लेंगे, अपने आप को पूरा निपुण बना लेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। दूसरे भाग में आपका ही प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि वैसे अगर राइस ब्रैन ऑयल आप दे रहे हो, राइस ब्रैन ऑयल तो और भी कंपनियां दे रही हैं, और भी ब्रांड्स दे रहे हैं, आप में क्या खास बात है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि वाकई में आप खास हो। और तीसरा भाग इतना स्पेशल होने वाला है, ऐसा भाग होने वाला है जो आप लोगों को कामयाबी की एक नई बुलंदी पे पहुंचा देगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं कभी कभी की होगी। उसकी कल्पना आपके लीडर्स करके बैठे हुए हैं, आपके लीडर्स, आपकी कोर कमेटी, उन सब ने सोच लिया है आपको कहाँ पे पहुंचाना है, और वो प्रोडक्ट आपको लेके जाएगा वहां पर। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहले प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में लेते हुए, हेल्थ गार्ड ऑयल, जिसे आप बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने, और आपकी जितनी सेल है हेल्थ गार्ड ऑयल की, अगर मैं अपनी कंपनी में देखूं तो आरसीएम की सेल, टोटल सेल एक तरफ है एक दिन की, और बाकी सभी एमएलएम कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब की सेल दूसरी तरफ। इतना काम कर रहे हो आप इस चहीते अपने हेल्थ गार्ड ऑयल की तरफ। तो उसकी पूरी नॉलेज लेंगे कि राइस ब्रैन ऑयल का क्या महत्व है अच्छी सेहत के लिए, वो जानेंगे। सेहत, देखिए सेहत बनाना बहुत जरूरी है। आज हर एक व्यक्ति जो अपनी सेहत के लिए ज्यादा पहले सीरियस नहीं था, वो भी सेहत के लिए सीरियस हो गया, क्योंकि उससे पता है कि जो जंग हम लड़ रहे हैं अभी पिछले 40-50 दिन से, और आगे भी लड़नी है वो जंग, वो हम अच्छी सेहत के साथ ही लड़ सकते हैं, अच्छी इम्यूनिटी के साथ ही लड़ सकते हैं। तो सेहत के लिए हर कोई आज की डेट में सीरियस है। और सेहत दो चीजों से ही बनती है, आहार और व्यायाम। और आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग मुझे पुराने भी दिख रहे हैं, जो लोग बार बार ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको तो मालूम है कि आहार का, डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है अच्छी सेहत बनाने के लिए, और 10% रोल है व्यायाम का। लेकिन मैं बार बार कह रही हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने व्यायाम नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी, योगा नहीं करनी। हमें टारगेट करनी है 100% सेहत। हम सब हेल्दी होंगे तो ही देश को हेल्दी बना पाएंगे। तो हमने एक्सरसाइज भी करनी है और 100% सेहत लेनी है। लेकिन जिसकी रोल ज्यादा है, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है अच्छी सेहत को बनाने के लिए, 90% भूमिका है यानी आहार की, उसके बारे में पूरा ज्ञान लेंगे, पूरी नॉलेज लेंगे। ज्ञान तो हमें दे दिया जाता है, बचपन में ही दे दिया जाता है, चौथी क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है, प्रत्येक फूड ग्रुप में से एक एक आइटम लेनी है। अगर हम ऐसे बैलेंस डाइट ले लेंगे तो हम अपने लिए बहुत अच्छा काम कर लेंगे, अपनी सेहत की जो नींव है उसे स्ट्रांग बना लेंगे।
लेकिन हर चीज के बारे में तो हमें ज्ञान है, हमें फल सब्जियों के बारे में ज्ञान है, अलग अलग तरह के आटे भी हम मिक्स करके खाते हैं, सिर्फ एक चीज जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है वो है खाना पकाने का तेल, जो हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फैट्स यानी कि कुकिंग ऑयल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर कई लोग ये सोचते हैं कि तेल कम खाना चाहिए, तो उन लोगों को सिर्फ एक चीज बोल दीजिएगा कि आपका जो दिमाग है वो 60% तो फैट का ही बना है। अगर आप तेल कम खा रहे हैं तो अपने दिमाग को भोजन नहीं दे रहे, तो उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं आप WHO के आंकड़ों के साथ कि WHO और NIN का क्या कहना है कि हमें कितना तेल खाना चाहिए। WHO और NIN कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो हिलता भी ना हो फिर भी उसे 25 ग्राम फैट पर डे लेना ही लेना है, और ये क्वांटिटी 50 ग्राम तक भी जा सकती है अगर वो हिलता डुलता है। तो 25 ग्राम प्रतिदिन तो लेना ही लेना है। कौन सा लेना है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फैट तो तीन तरह का होता है, और ये तीनों तरह का फैट जिसे सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, सफा पुफा और मुफा, ये तीनों तरह का फैट अलग अलग तरह से हमारे कोलेस्ट्रॉल को इम्पैक्ट करता है। कैसे इम्पैक्ट करता है आपको बताती हूँ। सफा फैट, अगर हम सफा ज्यादा खाते हैं वो सीधा सीधा हमारे दोनों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, हमारा लाभदायक कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देगा, हमारा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देगा। जो पुफा फैट है वो दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, हमारे लाभदायक को भी कम करेगा, हानिकारक को भी कम करेगा। मुफा फैट लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, लेकिन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। ये इन तीनों तरह के फैट का रोल है हमारे शरीर में। अब बहुत सारे तेल आते हैं, हर तेल में अलग अलग मात्रा में ये सफा पुफा और मुफा होगा, यही तीनों तरह का फैट होगा हर तेल में, लेकिन अलग अलग मात्रा में। कई तेलों में सफा ज्यादा है, कईयों में मुफा, कईयों में पुफा। अब कंज्यूमर कंफ्यूज्ड है, क्योंकि हर रोज टीवी पर एक 30 सेकंड की नई एड आ जाती है, नया फिल्म स्टार आ जाता है, नया तेल आ जाता है कि हमारा तेल खाइए ये बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे एंगल से देखें, अगर आप कंज्यूमर के एंगल से देखें, तो आप एक बहुत बड़ी समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आप उस कंज्यूमर को जो कंफ्यूज बैठा है हर रोज नई नई एड देखकर, नए नए तेलों को देखकर, आप उसे सही ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद सीख रहे हैं। और स्पेशली जो लोग दोबारा चौथी बार ये ट्रेनिंग लेने आए हैं, उन लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो अपने कंज्यूमर के लिए अपने आप को इतना अच्छे से तैयार कर रहे हैं कि आप उसको सही ज्ञान दें, ताकि वो अपने लिए एक सही फैसला ले सके। तो उस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप मेरे एंगल से देखें, आप बहुत बड़ा समाज सेवा का काम कर रहे हैं, आप सभी तेलों के बारे में ज्ञान ले रहे हैं। तो सबसे पहले उन तेलों के बारे में ज्ञान लेंगे जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, क्योंकि आपको याद रखने पड़ेंगे ऐसे तेल। तो इन तेलों को मैं याद रखने का सही तरीका आपको बताती हूँ। जिस तेल में जितना ज्यादा सैचुरेटेड फैट होगा वो उतना ज्यादा गाढ़ा होगा ठंड में, क्योंकि सैचुरेटेड फैट की नेचर है वो सॉलिड फैट होता है और वो ठंड में जमता है। जैसे देसी घी जमा हुआ होता है, नारियल का तेल जमा हुआ होता है, जैसे पाम ऑयल बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, इसका मतलब जितना ज्यादा गाढ़ा, जितना ज्यादा जमा हुआ सर्दी में, उतना ज्यादा सैचुरेटेड फैट। क्या होगा अगर हम देसी घी, मक्खन या कोई भी ऐसा तेल खाएंगे जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, तो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL थोड़ा सा बढ़ेगा, साथ ही साथ बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, LDL और VLDL भी बढ़ जाएगा। और इसीलिए सभी डॉक्टर्स, डाइटिशियन, हेल्थ इंस्टीट्यूट हर को यही बोलता है कि आपको उच्च सफा वाले तेल नहीं खाने, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और आप दिल की बीमारियों के करीब आ जाएंगे। अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, वो तेल जिनमें सैचुरेटेड फैट कम है, यानी कि उच्च पुफा वाले तेल और उच्च मुफा वाले तेल। तो पहले उच्च पुफा वाले तेलों के बारे में जानते हैं। आपने जिम्मेवारी उठा ली है कस्टमर को सही ज्ञान देने की, तो इन सभी तेलों को आपको याद रखना पड़ेगा। कड़ी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल, इन सभी तेलों में आप देख सकते हैं पुफा फैट बहुत ही ज्यादा है। तो अब क्या होगा अगर कोई इनमें से कोई भी तेल खाएगा, तो उसका बुरा कोलेस्ट्रॉल तो बड़ी जल्दी कम हो जाएगा, LDL और VLDL बड़ी जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, HDL भी कम हो जाएगा, क्योंकि HDL तो हमें दिल की बीमारियों से बचाता है, बट पुफा वाले तेल उसे कम कर देते हैं।
और साथ ही जोड़ों के दर्द की समस्याएं लोगों को शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी के घर में जाएं और वो आपको बताएं कि हमारे तो जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप उनसे पूछ लीजिए या उनकी किचन में जाके देख लीजिए, वो पक्का पूफा वाला तेल ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि पूफा वाले तेल के सेवन से जोड़ों के दर्द की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या होती है और हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। तो हम इस तरह ये सारे जो पूफा वाले तेल हैं जिनमें पूफा फैट बहुत ज्यादा है, उनको कैंसिल करते हैं। अब तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, उच्च मूफा वाले तेल। अब ये आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे, क्योंकि भोला भाला जो कस्टमर है उसे ये लग रहा है कि मूफा वाले तेल अच्छे तेल हैं, क्योंकि मूफा फैट अच्छा फैट है। तीन ही तेल हैं इसमें, सरसों का तेल, कैनोला तेल और जैतून का तेल। अब इन तीनों तेलों को आप एक एक करके जानेंगे और चौंका देने वाले फैक्ट्स आपके सामने आएंगे जो भोले भाले कंज्यूमर को नहीं पता, और ये महंगे तेल वो इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ ये सोचकर कि इससे मेरी हेल्थ अच्छी होगी, पर वो बिल्कुल उसके लिए ये घातक हैं। आपको बताना चाहूंगी, शुरुआत करती हूँ सरसों के तेल से। सरसों के तेल में तो एक ऐसा केमिकल होता है जिसका नाम है इरुसिक एसिड। इरुसिक एसिड जब हम घरों में पेंट करवाते हैं उनमें भी ये केमिकल होता है, उस पेंट में भी, तो आप सोच लीजिए कि क्या चीज होगी ये इरुसिक एसिड। 35-55% इरुसिक एसिड होता है सरसों के तेल में। विदेशों में भारत का सरसों का तेल कैसे बेचा जाता है आपको दिखाना चाहूंगी। विदेशों में, अमेरिका, यूरोप और कैनेडा में भारत का सरसों का तेल लिख कर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, मतलब बाहरी इस्तेमाल के लिए उपयोग करे, यानी कि मसाज कर ले, सर पे लगा ले, लेकिन इंटरनल यूज मतलब इसे खाए ना। क्यों ना खाए? क्योंकि इसमें इरुसिक एसिड होता है, इरुसिक एसिड, और वहां पर कानून बने हुए हैं कि किसी भी खाद्य तेल में अगर 5% से ज्यादा इरुसिक एसिड है उसे खाने की सलाह नहीं दी जाती। और आपके सरसों के तेल में, जो भारत का सरसों का तेल है, उसमें तो 35-55% इरुसिक एसिड है। भारत के एक अखबार में भी ये आर्टिकल आया हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि सरसों का तेल खाने से दिल के दौरे की समस्या होती है, और ये भी, इसका भी कारण सीधा सीधा उन्होंने इरुसिक एसिड पे लगाया है कि इरुसिक एसिड होने की वजह से हार्ट अटैक, दिल के रोग, हार्ट की सर्जरी ज्यादा हो रही है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां के लोग सरसों का तेल ज्यादा खाते हैं। हाल ही में विमेंस डे वाले दिन 8 मार्च 2020 को भी आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सरसों का तेल लेने से गॉल ब्लैडर कैंसर का खतरा होता है। तो इस तरह पहला उच्च मूफा वाला तेल यानी सरसों का तेल, उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब दूसरे तेल पर जाते हैं जो है कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल सरसों का तेल ही है, लेकिन कनाडा के साइंटिस्ट ने उसके बीज के साथ छेड़छाड़ करके उसको इरुसिक एसिड कम कर दिया लेबोरेटरी में, जिसे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो आर्टिफिशियल तरीका है, और उसे उगाया, जिसका नाम, जो कैनोला सीड जो बनाया उसको उगाया, उसका नाम रखा कैनोला क्रॉप, और जो तेल उस क्रॉप से निकला वो है कैनोला ऑयल। कैनेडा में कैनोला ऑयल लिख कर बेचा जाता है नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर कुकिंग, कि इसे गर्म नहीं करना। क्यों नहीं गर्म करना? क्योंकि वहां कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 कुदरती तौर में बहुत ज्यादा होता है। ओमेगा 3 हीट सेंसिटिव है, अगर कभी भी हम ओमेगा 3 को गर्म करेंगे तो वो जहरीले पदार्थ पैदा करेगा, जहरीले पदार्थ। तो इसीलिए ओमेगा 3 वाले तेलों को गर्म करने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन यहां पर ज्ञान ना होने की वजह से भोला भाला कंज्यूमर कैनोला तेल को भी गरम गरम कर करके ही इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए कैनोला ऑयल को हम कैंसिल कर सकते हैं, दूसरा उच्च मूफा वाला तेल। अब तीसरे उच्च मूफा वाले तेल पर चलते हैं, वो है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा तेल है, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसे यूरोप के लोग खाते हैं, सैलेड पर छिड़क कर खाते हैं। इसका स्मोक पॉइंट इतना कम है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का कि इसे गर्म नहीं किया जा सकता। और आपको पता है विदेशों में तो लोगों का खान पान ऐसा ही है, वो तड़के नहीं लगाते, वो डीप फ्राइंग नहीं करते, वो तो सैलेड पर कच्चा छिड़क के ही तेल को खाते हैं, तो उनके लिए ये उत्तम है। लेकिन यहाँ की कंपनियों को पता है कि यहाँ हमारा जो इंडियन कंज्यूमर है उसने तेल को कच्चा नहीं खाना, उसने तो गरम करके ही खाना है, तो उन्होंने एक नई वैरायटी निकाल दी जिसका नाम रखा रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल। अब ये जो रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल है,
ये इसको गर्म तो किया जा सकता है, इसका स्मोक पॉइंट हाई है, इसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी गुणवत्ता नहीं बची जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में होती थी। तो लोगों को बस ऑलिव ऑयल के नाम पर आप देख लीजिए, ठगने के लिए ये बनाया गया है, रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल। तो इस तरह ये तीनों उच्च मुनाफा वाले तेल हम कैंसिल कर सकते हैं। और एक और बड़ी समस्या, अगर आप में से किसी ने नोटिस किया हो कि इन इन उच्च मुनाफा वाले तेलों के साथ एक और बड़ी समस्या है कि इनमें सफा बहुत कम है, जिसकी वजह से ये हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हमारा लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को तो छेड़ते ही नहीं, उसको तो बढ़ाते ही नहीं, और हमें अपना एचडीएल भी बढ़ाना है। तो आप जो इस कहानी से, ये जो 5-7 मिनट की मैंने आपको कहानी बताई, उच्च सफा वाले तेल, उच्च पुफा वाले तेल, उच्च मुफा वाले तेल, इससे आप लोग ये समझ गए कि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए, सफा भी चाहिए, पुफा भी चाहिए और मुफा भी चाहिए। और ये जो कहानी है, ये दरअसल 40 सालों की रिसर्च थी डॉक्टर्स की, डाइटिशियंस की, हेल्थ एक्सपर्ट्स की, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की, और उन्होंने भी यही समझा कि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए लेकिन एक रेशियो में। और उन्होंने 2005 में WHO और NIA ने वर्कशॉप कर ये रेशियो तय कर दी, जिसमें उन्होंने तय किया कि सफा 27 से 33% चाहिए, पुफा 27 से 33% चाहिए और मुफा 33 से 40% चाहिए। साथ में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 5 से 10 की रेशियो में चाहिए। अगर हम ऐसे फैट्स ले लेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। तो लोगों ने, भोले भाले कंज्यूमर ने फिर से इसका मतलब ये निकाला कि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए, तो हम तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। आपको मिलते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। मैं आपको देख पा रही हूँ, आप हाथ ऊपर करके मेरे साथ बने रह सकते हैं, मुझे भी मिलते हैं ऐसे लोग। तो ये जो नई मिथ, ये नई भ्रांति पैदा हो गई कि तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करो, लेकिन उनको बताना जरूरी है कि अगर हम आपको फैट कॉम्पोजिशन भी बता दें कि किस तेल में कितना सफा है, किसमें कितना पुफा है, किसमें कितना मुफा है, फिर भी तेलों को बदल बदल कर भी ना मैं, ना आप, ना कोई डॉक्टर, ना कोई डाइटिशियन उसी मात्रा में सफा पुफा मुफा नहीं ले सकता जिस मात्रा में हमें WHO कह रहा है, NIN कह रहा है। लेकिन हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे पास तो एक रेडीमेड सोल्यूशन है। भारत में एक ऐसा तेल मौजूद है जिसका नाम है राइस ब्रैन ऑयल। राइस ब्रैन ऑयल जो भूरे चावल की भूरी परत से बनाया जाता है, उस वो जो तेल निकलता है उसका नाम होता है राइस ब्रैन ऑयल। और ये तेल फिजिकल रिफाइनिंग की प्रोसेस से गोल्डन कलर का तेल निकलता है, ये सुनहरे रंग का तेल होता है। और यहाँ पर अगर आपको कभी कोई चैलेंज आता है, कोई क्वेश्चन आता है कि आपका तेल तो गोल्डन है, जो बाजार में तेल मिलते हैं वो तो पानी जैसे साफ दिखते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि जो तेल जितना ज्यादा साफ होगा, यानी जितना ज्यादा उसका रंग कम होगा, उतना ज्यादा उसमें केमिकल लगा होगा। और राइस ब्रैन ऑयल तो फिजिकल रिफाइनिंग की तकनीक से बनाया जाता है, यहाँ पर केमिकल या कास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए इसका रंग भरपूर रहता है, इसका कलर बना रहता है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि कलर ही न्यूट्रिशन है। अगर आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड्स देखें तो आप देखेंगे उन्होंने कलर का तो कोई स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ, उन्होंने तो कहीं नहीं लिखा कि कलर हमें इतना कम चाहिए तेल का, क्योंकि उन्हें पता है कलर ही पोषण है, कलर ही न्यूट्रिशन है। तो ये फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल, फिजिकली रिफाइंड, ये गोल्डन कलर का तेल होता है, और इसमें हमारी, इसने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इसने हमें उतना ही सफा पुफा और मुफा दे दिया जितना हमें चाहिए। 24% इसमें सफा होता है WHO की रिकमेंडेशन के अनुसार, बिल्कुल करीब है उसके, पुफा 34% और मुफा 42%। अगर आपने किसी ने नोट किया हो, सर्दियों में, जो लोग यहाँ पर ठंडे इलाके से हैं, सर्दियों में इसे मैंने थोड़ा सा फ्रिज में रखा है थोड़ी देर, इतनी फ्रिज जितनी ठंडी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि सर्दियों में ये जो तेल है आपका हल्का सा गाढ़ा होता है। क्या किसी ने नोट किया ये गाढ़ापन तेल में सर्दियों में, किसी ने नोट किया है ठंड में थोड़ा सा गाढ़ापन? आप हाथ ऊपर करके मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो काफी लोगों ने नोट किया है ठंड में थोड़ा सा गाढ़ापन। ये जो गाढ़ापन है तेल में, ये उसमें सफा होने का प्रमाण है। अगर हम कह रहे हैं कि ये तेल नेचुरली बैलेंस है, इसमें उतना ही सफा पुफा मुफा है जितना हमें चाहिए,
और सफा फैट तो सॉलिड फैट होता है, ठंड में वो जमता है, जैसे देसी घी है उसमें है, तो 24% सफा है। और WHO भी कह रहा है हमें चाहिए, क्योंकि यही फैट है जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो इसलिए ये जो गाढ़ापन है, ये इसमें वो सफा होने का प्रमाण है। तो ये तेल उत्तम तेल है तीनों तरह का, इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल करने का ही फायदा है, क्योंकि तीनों तरह का फैट तभी हमें उसी मात्रा में मिलेगा जिस मात्रा में WHO और NIN कहता है। और साथ ही टोकोट्राइनॉल्स, टोकोफिरोल्स और ओरिजिनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेंगे। तो ये दुनिया का सबसे उत्तम खाने का तेल माना जाता है, और जापान इसे हार्ट ऑयल बोलता है, अमेरिका इसे हेल्थ फूड बोलता है। इसका स्मोक पॉइंट बहुत ऊंचा है, आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं, किसी भी तेल के मुकाबले सबसे ज्यादा स्मोक पॉइंट राइस ब्रैन ऑयल का है। स्मोक पॉइंट मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर, 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी जाकर राइस ब्रैन ऑयल धुआं नहीं छोड़ेगा, न्यूट्रिशनली डिग्रेड नहीं होगा, जितनी मर्जी इसमें आप फ्राइंग कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें बनी हुई चीज ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स खुद कर सकते हैं घर पे। आप राइस, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल में कुछ बना लीजिए, पकौड़े बना लीजिए या केक बना लीजिए, और एक साइड पे किसी और तेल में बना लीजिए, और उन दोनों चीजों को, बनी हुई चीजों को आप कहीं रख दीजिए, आप देखेंगे कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल में बनी चीज ज्यादा चलेगी, वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगी, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी रादर देन किसी और तेल में बनी हुई चीज। उसका रीजन यही है कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है किसी भी तेल के मुकाबले इसमें, आप देख सकते हैं चार्ट में भी देख सकते हैं। और एक अनोखा एंटीऑक्सीडेंट है इसमें जिसका नाम है ओरिजिनॉल, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। तो इस तरह जो हमारा सेहत, हमारा पहला उद्देश्य हमारी सेहत है, तो WHO और NIN के अनुसार हम सफा बुफा मुफा लेंगे, और ओमेगा 3 भी लेंगे। ओमेगा 3 राइस ब्रैन ऑयल में नहीं होता, जो कि अच्छी बात है, अगर उसमें होता तो हम उसे गर्म ना कर पाते, क्योंकि ओमेगा 3 को गर्म नहीं किया जाता। तो हम साथ में अलसी के बीज या अखरोट या एवोकाडो, इनमें से कोई भी चीज अगर साथ में ले लेंगे अपनी डाइट में रोज, तो ओमेगा 3 भी हम उतना ले लेंगे जितना हमें चाहिए। तो अब राइस ब्रैन ऑयल विजेता है, हमें सही मात्रा में फैट्स देता है, हम अपनी कंफ्यूजन, अपने कंज्यूमर की कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये जो भाग है कि आप ही का राइस ब्रैन ऑयल क्यों, यही प्रोडक्ट क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी ने बनाया है। आप इसके लेबल पर देखिए, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर इज AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी, इसने बनाया है। और क्या खास है इस AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी में, वो जानेंगे। भारत में सबसे पहले राइस ब्रैन ऑयल, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल पेटेंटेड टेक्निक से अगर किसी कंपनी ने लॉन्च किया, वो AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी ने लॉन्च किया। ये पेटेंट भी आपके सामने मैंने रखा है, और पीछे पीछे बाकी कंपनियां आई, लेकिन सबसे पहले पायनियर्स AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी है। 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी को इस टेक्नोलॉजी के लिए, और आप अखबारों में भी ये क्लिप्स देख सकते हैं कि ये धूरी यूनिट का अवार्ड है, ये AP ऑर्गेनिक्स का अवार्ड है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर कल को कोई और कंपनी आती है जो अपने नाम के आगे A या P लगाकर बोलती है कि हम धूरी वाले AP ऑर्गेनिक्स का ही ग्रुप है, तो वो गलत है। AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी इकलौती, एकमात्र, अकेली है। तो आप उस चीज में, उस झांसे में मत आइएगा। AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 4 नेशनल अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी से आपका तेल बना रही है, और आपके पास तो ओरिजिनॉल की मात्रा कितनी है आपको खुद पता है। बड़े बड़े कंपनीज की एड आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज की, करोड़ों रुपए का वो एड बजट लगाकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनॉल 1000 से ज्यादा नहीं दे पा रहे। आप 1400 mg ओरिजिनॉल देते हैं, और अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से बन रहा है आपका ऑयल। AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इकलौती कंपनी है भारत की जो राइस ब्रैन ऑयल बना रही है इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से। ये कुछ आपको स्टैंडर्ड्स बताऊंगी, हमारे थर्मोसाइफन सिस्टम, नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट, हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप, ये कुछ ऐसे पत्ते हैं आपके
आपके पास, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के पास, अगर हम वो पत्ते खोल दें तो किसी भी कंपनी की छुट्टी कर सकते हैं। खोलूंगी, एक पत्ता के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये जो नीली से फोटो आपको दिख रही है, दैट इज थर्मोसाइफन सिस्टम। अब यहाँ पर ये हमारी एक प्रतिक्रिया होती है प्रोडक्शन में, कि हमें तेल को गर्म करना है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से नहीं। ये जो नीली सा टैंक सा है, इसके अंदर तेल है, उस तेल के अंदर स्टील पाइप्स चल रही हैं, उन पाइप्स में कुछ ऐसा गर्म चीज डाली जाएगी जिसकी गर्मी से तेल गर्म होगा। यहाँ पर थर्मोसाइफन सिस्टम में उन पाइपों में डाला जाता है हाई प्रेशर स्टीम, यानी कि पानी की भाप जिसकी गर्मी से तेल गर्म होता है। लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी के अलावा बाकी हरेक कंपनी, जो भारत की हरेक कंपनी राइस ब्रैन ऑयल बना रही है, उसने ये सिस्टम अपनाया हुआ है, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम। थर्मिक फ्लूइड सिस्टम में भी ऐसा ही होता है, तेल को गर्म करना है इनडायरेक्ट तरीके से पाइपों की गर्मी के द्वारा। यहां पर पाइपों में डाला जाता है मिनरल ऑयल, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और पीसीबी, वो मिनरल ऑयल के मिक्सचर ने अपनी हीट देकर तेल को गर्म करना है। एक बार सोचिए, अगर उन पाइपों में कोई लीकेज हो जाए, कोई पंक्चर हो जाए, तो वो मिनरल ऑयल यानी कि पेट्रोल तेल के अंदर जा सकता है, और लोग अगर उसे खा ले तो वो मर सकते हैं। ये मैं हाइपोथेटिकली नहीं कह रही, ऐसा हुआ है। 1968 में जापान में ऐसा हुआ है, 14,000 लोगों ने ऐसा कंटामिनेटेड तेल खा लिया और 500 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई, बहुत ज्यादा बीमारी फैली वो तेल खाकर। और ताइवान में ऐसा हुआ है 1979 में, सेम ऐसा ही इंसिडेंस। इसीलिए विदेशों ने तो ये सिस्टम बैन किया हुआ है, लेकिन इंडिया में ये सिस्टम बैन नहीं है। ये सस्ता होने के कारण इंडिया की हर कंपनी ने ये सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी ने शुरुआत से कभी भी वो सिस्टम, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम, नहीं लगाया। शुरुआत से ही हमारे चेयरमैन डॉक्टर ए आर शर्मा, क्योंकि उन्हें पूरी नॉलेज है, उन्होंने पीएचडी भी की है फूड लॉज पर, इंटरनेशनल फूड लॉज पर, तो उन्होंने हमेशा अपने कंज्यूमर की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हर काम किया है। तो हमने हर वो सिस्टम लगाया है जो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड है फूड सेफ्टी का। इसीलिए तो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को ये अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, बीआरसी जो यूरोप का सर्टिफिकेट है, यूके का, एचएसीसीपी अमेरिका का, हलाल गल्फ कंट्रीज का, कोशेर ज्यूइश सर्टिफिकेट। और ये सभी सर्टिफिकेट्स की कॉपी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये सब पे नाम लिखा हुआ है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी, बीआरसी, एचएसीसीपी, कोशेर, ये सभी सर्टिफिकेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। और एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी ही है जो एक्सपोर्ट कर पा रही है राइस ब्रैन ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में। यानी कि एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया तेल सिर्फ आप ही नहीं खा रहे, बल्कि 30 से ज्यादा देशों के लोग भी खा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, ऐसे विकसित देशों में जा रहा है आपकी कंपनी का बनाया गया तेल, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी का बनाया गया तेल। अगर आपके किसी के रिश्तेदार रहते हो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि उनके जो फूड लॉज हैं वो इतने ज्यादा सख्त हैं, अगर आप आपके वहां एयरपोर्ट पर आपके टैची की चेकिंग होती है, आपके लगेज की चेकिंग होती है, अगर आप कुछ भी खाने की चीज, अचार, लड्डू कुछ भी लेके जा रहे हो, तो वो वहां पर वो फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए जो उनके देश में प्रमाणित ना हो। वहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पर हम सप्लाई कर रहे हैं और हाईएस्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड ले रहे हैं हर साल, एक्सपोर्ट हाउस तक की मान्यता दे दी भारत सरकार ने एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी को, वो भी सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया है, आप नाम चेक कर लीजिए, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी। तो आप बेस्ट क्यों हैं, आप याद कर लीजिए इन पॉइंट्स को। सबसे पहले तो आपकी यूएसपी, सबसे ज्यादा ओरिजिनल आप देते हैं, पेटेंट है आपके पास, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, नेशनल अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी से बन रहा है, थर्मोसाइफन सिस्टम, जो एक ही पत्ता, ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो एक ही पत्ता अभी आपको सिखाया है, बताया है, जो काफी है सबकी छुट्टी करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट, HACCP, BRC, हलाल, कोशेर, आप किसी भी कंपनी को बोल सकते हैं कि आप अपने मैन्युफैक्चरर का HACCP दिखा दीजिए हमें। HACCP नहीं मिलेगा अगर अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड नहीं लगे होंगे। हाईएस्ट एक्सपोर्टर,
एक्सपोर्ट हाउस का सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई गैप आ रहा था, अगर कोई चैलेंज आ रहा था मार्केट में, अगर कोई डाउट आ रहा था, तो वो मैंने दूर कर दिया और जो बचा कुचा गैप है वो आप खुद भर लेंगे और कामयाबी की एक नई बुलंदी को छू लेंगे। यहाँ पर मैं 10 से 15 सेकंड का ब्रेक लूंगी और आप लोगों से वेट कर रही हूँ आप लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कि क्या आपको एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड पर गर्व है, क्या आपको अपने हेल्थ गार्ड पर गर्व है, क्या आरसीएम पर गर्व है कि उन्होंने एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी को चुना। आप कैसा महसूस कर रहे हैं एक बार लिख डालिए कि क्या आप कामयाबी की एक नई नए शिखर पर पहुंच पाएंगे इस इंफॉर्मेशन से। तो जल्दी से आप लोग लिख डालिए, मैं आपकी वेट कर रही हूँ। जी मैम, मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, इससे बहुत फायदा होगा। यस यस 100% बिल्कुल कामयाब होंगे और ज्यादा कामयाब होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे हम सब। यस 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 वेरी नॉलेजेबल, यस वी आर प्राउड ऑफ आरसीएम, वी आर प्राउड ऑफ एपी ऑर्गेनिक्स एंड हेल्थ गार्ड, यस वी आर प्राउड ऑफ आवर एसोसिएशन। यस यस ऐसे ढेरों मैसेजेस मैम मेरे पास आ रहे हैं सभी लोगों के कि जी हाँ उन्हें गर्व है आरसीएम पे, गर्व है हेल्थ कार्ड पे। थैंक यू, तो थैंक यू, हमें भी गर्व है आरसीएम पर, हमें भी गर्व है आपके साथ एसोसिएशन पर। तो इसीलिए एक नायाब तोहफा हम आपके लिए लाए हैं। वो तोहफा है आपका विजेता प्रोडक्ट गामोरिजनॉल। गामोरिजनॉल एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने जो पहली बार बनाया भारत में और आपके साथ लॉन्च किया, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। और ये अगर मैं आपको कहूं कि ये एक सोने की खान है तो मैं गलत नहीं होंगी। ये आपको सेहत की एक नई, आपकी हेल्थ को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी, ये आपको एक नई दिशा में लेके जाएगी कामयाबी की, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की, लेकिन आपके लीडर्स ने हमेशा से आपके लिए एक ऊंचाई की, एक कामयाबी की कल्पना की है और उसे पूरा करेगा ये प्रोडक्ट गामोरिजनॉल। तो पहले जानेंगे ये गामोरिजनॉल कहाँ बना, कैसे बना, थोड़ी इसकी स्टोरी जानेंगे। देखिए मुझे पता है आज की जो सिचुएशन है, जहां हम बैठे हुए हैं, बसें नहीं चल रही, ट्रेनें नहीं चल रही, थोड़ी सी शुरू हुई है, और एरोप्लेन नहीं उड़ रहे, दूसरी कंट्रीज में हम जा नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी हमारे पास एक यंत्र है जिसकी मदद से हम जहां चाहें एक सेकंड में हम वहां पहुंच सकते हैं। वो यंत्र है हमारा खुद का मन, हमारा दिमाग। हम अपने मन की मदद से थोड़े विदेशों की सैर करेंगे। तो आप तैयार हैं मेरे साथ विदेश यात्रा पर निकलने के लिए? तैयार है तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। हम सबसे पहले जाएंगे एक ऐसे देश में जो पूरे विश्व में अपनी लंबी उम्र के लिए माना जाता है, जहां के लोग 100-100 साल के लोग भी बहुत ज्यादा हेल्थी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जी हाँ, मैं जापान की बात कर रही हूँ। 83 साल 7 महीने एक एवरेज व्यक्ति की उम्र होती है वहां पर। वहां पर तो 1954 में दो साइंटिस्ट जिनका नाम था किनोको और सुचियो, उन्होंने यह पाया कि राइस ब्रांड में तो एक अनोखा पोषक तत्व होता है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। अगर उसे पाउडर की फॉर्म में हम निकाल ले और दवा की फॉर्म में खा लें तो वो हमारे शरीर पर अद्भुत करिश्मे कर सकता है। उस पाउडर पर पूरे विश्व में अध्ययन शुरू हो गए और पूरे विश्व से उसके अनेकों फायदे निकलकर सामने आने लगे। दुनिया भर में अध्ययन हुए उसके, कि सबसे पहले तो जापान ने उसे दवा के रूप में रजिस्टर कर लिया, टेंशन मानसिक तनाव को दूर करने वाली दवा, मेनोपॉज के लक्षणों में राहत देने वाली दवा के रूप में रजिस्टर किया 1970 में। 1986 में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने वाली दवा के रूप में मान्यता दे दी जापान ने और रजिस्टर कर दिया जापान ने, और लिखकर रजिस्टर किया कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये कुदरत के खजाने से निकाला गया है। ये कोई ऐसी दवा नहीं है जिसे दो केमिकल के साथ मिलाकर लैब में तैयार किया जाए, इसको तो कुदरत के खजाने से निकाला गया है गामा ओरिजिनॉल को, और इस तरह बिक रहा है ये विदेशों में। जापान में हम अभी टहल रहे हैं, जापान में आप देख आपको दिख रही हैं दावों के साथ, ये सब दवाइयां गामा ओरिजिनॉल है और ये दावों के साथ बिक रहा है कि कोई ना कोई बीमारी ठीक करने के दावे के साथ जापान में ऐसे बिक रहा है गामा ओरिजिनॉल।
अमेरिका यूरोप यूके में ऐसे बिक रहा है एज एन एथलीट सप्लीमेंट, एज अ मसल बिल्डर, एज अ स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, एज अ न्यूट्रास्यूटिकल, एज अ डाइट्री सप्लीमेंट, ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बिक रहा है। और ये जो देश जहां पर हम सैर कर रहे हैं, जापान, अमेरिका, यूरोप, यूके, तो यहां पर तो कानून बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। अगर कोई सेहत के लिए दावा कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारा सबूत, बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारी रिसर्च लगती है, तो ही कोई दावा किया जा सकता है। ऐसे देश इसे दावे के साथ बेच रहे हैं। और अमेरिका की आपको बात बता दूं, अमेरिका में अगर आप ये वेबसाइट पर जाकर देखें, USFDA का नाम आप सबने सुना है, USFDA, USFDA ने तो इसे रजिस्टर किया हुआ है एज अ यूनिक इंग्रेडिएंट, यानी कि एक अद्भुत तत्व के नाम पर इसकी रजिस्ट्रेशन की गई है अमेरिका में। और लिखा गया है वहां पर उनकी वेबसाइट पर कि इसका आज तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं और फायदे ही फायदे हैं, ये तो एक अद्भुत इंग्रेडिएंट है। और अमेरिका में मैनचेस्टर सिटी में वहां पर विंस्टर हॉस्पिटल के नाम पर एक हॉस्पिटल है, आप उसका लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं, वो गामा ओरिजिनल को प्रमोट कर रहा है, कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है कुदरती तरीके, क्योंकि आजकल हर कोई जान चुका है कि हमें कुदरती तरीकों से बीमारियां ठीक करनी है, क्योंकि अगर हम केमिकल तरीकों से कोई बीमारी ठीक करते हैं तो वो हमें और भी बीमारियों की तरफ धकेल देती है। तो कुदरती तरीके से ये यहाँ पर गामा ओरिजिनल को ठीक कर रहा है, 500 mg की डोजेज, 600 mg की डोजेज, 300 mg की डोजेज, ऐसे अलग अलग डोजेज के साथ रिकमेंडेशंस हो रही हैं। और ना केवल रजिस्टर किया, ना केवल हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि महंगे दामों में बेच रहे हैं, बहुत ही महंगे दामों में, आप हैरान रह जाएंगे। सोर्स नेचुरल जो अमेरिका की कंपनी है, वो 30 mg गामा ओरिजिनल की गोली, 250 tablets, वो 3,533 रुपए में आपके घर आएंगे। 2,800 से 4,500, 40 से $50, शायद इससे भी महंगे इंटरनेशनल ब्रांड्स बेच रहे हैं गामा ओरिजिनल को। आप देख सकते हैं, खुद इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, कोई 30 mg, कोई 60 mg, कोई 90 mg, जो सबसे ज्यादा बेहतरीन है वो है काल गामा ओरिजिनल, जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, अमेरिका की कंपनी 100 mg गामा ओरिजिनल वो इस तरह सेल कर रही है। और इसे अगर आपने खरीदना है, वो मैं नहीं बताऊंगी, आप अमेजोन पर जाकर खुद इसका रेट चेक कर लीजिए काल गामा ओरिजिनल का। आपको बता देती हूँ, ये स्नैपशॉट मैंने अमेजोन से ही लिया है, 4,144 रुपए में आपके घर आएगा ये, 4,144। क्यों इतना महंगा? क्योंकि फायदे ही फायदे, सर से लेकर पांव तक फायदे ही फायदे, अनेकों लाभ। और इसके थोड़े से लाभ आपको बताऊंगी, थोड़े से बताऊंगी क्योंकि अगर ज्यादा बताऊंगी तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा इसके फायदे डिस्कस करने में। ये जो इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा है, जिसे हम शायद इतना इग्नोर कर रहे थे, आज तक कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का। आज जो हमारी स्थिति है, जिस स्थिति में हम बैठे हैं, जिस स्थिति के साथ हमें जीना है, हमें आगे बढ़ना है और उसके साथ जीना है, उस स्थिति में हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें हाथ धोने हैं, हमें मास्क लगाना है, और हमें सबसे इंपॉर्टेंट अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि वही हमें बचा सकती है। आज की डेट में WHO भी कह रहा है कि आप इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स खाएं, इम्यूनिटी को जो बूस्ट करे, क्योंकि इम्यूनिटी रातों रात नहीं बनेगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करना जरूरी है। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स आपको लेने हैं। और गामा ओरिजिनल की कंफर्म स्टडीज हैं जो दावा करती हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है कि गामा ओरिजिनल हमारी इम्यूनिटी को मल्टीप्लाई कर देता है। यहाँ पर आपको वो स्टडी भी दी जाएगी, इम्यूनिटी स्टडी, और खुद आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, गूगल पर लिख लीजिए गामा ओरिजिनल इम्यूनिटी बूस्टर, तो आपके सामने स्टडीज आ जाएंगी, इंडिया की स्टडीज, थाईलैंड की स्टडीज, और बहुत सारी स्टडीज, जर्नल ऑफ मेडिसिन फूड में पब्लिश स्टडी, यूरोप की स्टडी जो दावा करती है कि गामा ओरिजिनल आपकी इम्यूनिटी को मल्टीप्लाई कर देगी। और भी अनेकों बीमारियों की रोकथाम में मदद करता है गामा ओरिजिनल, चाहे वो कैंसर है, थायराइड है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, न्यूरो प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। अब इन बीमारियों को ठीक करने के लिए हम ज्यादातर
ज्यादातर लोग जिनको ये इनमें से कोई भी बीमारी है, चाहे वो थायराइड लगा लीजिए, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल लगा लीजिए, तो उसमें वो एक औजार का इस्तेमाल कर रहा है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। वो औजार है हमारी दवाइयाँ, हमारी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, हमारी अंग्रेजी दवाइयाँ। क्या होता है हमारे साथ जब हम वो दवाइयाँ खाते हैं, आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ये फूल आप सबको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है ये फूल, तो ये फूल पर जो छोटे छोटे कांटे आपको दिख रहे हैं, वो छोटे छोटे कांटे कोई ना कोई बीमारी है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो थायराइड है, कोई भी बीमारी। अब उस बीमारी को ठीक करने के लिए, यानी कि उस कांटे को निकालने के लिए हम अंग्रेजी दवाइयां यानी इतनी बड़ी कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर मैं इतनी बड़ी कैंची से वो छोटा छोटा कांटे निकालूंगी, यानी उस बीमारी को उस मेडिसिन से निकालूंगी, तो ऐसी कैंची से कांटा काटने के साथ तो फूल भी कटेगा, पत्ते कटेंगे, डाली कटेगी, पूरा का पूरा फूल नष्ट हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा शरीर ही हम नष्ट करते हैं। दवा बेचने वाली कंपनियां तो खुद बोलती हैं कि साइड इफेक्ट्स होंगे। कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग आप देख लीजिए, उसकी वेबसाइट पर लिखा होगा कि आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको साइड इफेक्ट्स होंगे। तो ये इन बीमारियों से बचने का कुदरती तरीका हमें ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज ना जागे, आज सही टाइम है, हम जाग चुके हैं, 40 दिन हमने जो बिताए हैं हम जाग चुके हैं, जिस स्थितियों के साथ हमने रहना है हम जाग चुके हैं, हमें कुदरती तत्वों से अपने आप को ठीक करना है और इन बीमारियों का समाधान करना है। थोड़े से फायदे आपको गामा और रिजनॉल इस कुदरती तत्व के बताती हूँ कि कैसे ये कई बीमारियों के ट्रीटमेंट में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये प्रमाणित है, जापान के अनेकों अध्ययन आपको मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि गामा और रिजनॉल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सक्षम है, हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। और आपके पास, क्योंकि अभी मैं मानती हूं आपके पास टाइम होगा, पहले आपको मीटिंग के लिए जब जाना पड़ता था किसी भी साधन से आप जाते थे, एक तरह से पूरा दिन लग जाता था एक घंटे की मीटिंग अटेंड करने के लिए लगता था। अब आपको घर बैठे बैठे एक घंटे की मीटिंग मिल जाती है और पूरा दिन बच जाता है, तो उस दिन में से 15 मिनट आप निकाल लीजिए और 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ गामा मैंने भी ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल से ही निकाली है, कुछ भी अपने मन से नहीं बनाया, सब कुछ अवेलेबल है, ये एक खुली किताब है जिसके बारे में आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा कामयाब हो पाएंगे, अपने आप की सेहत पे काम कर पाएंगे, दूसरों को भी बचा पाएंगे। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये प्रमाणित है। और किसके बराबर इसके रिजल्ट हैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग अभी कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं उन्हें एक दवाई लेनी पड़ती है जिसका नाम है स्टैटिन। अलग अलग नामों से वो दवाई बिकती है, अलग अलग नामों से वो दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन सॉल्ट स्टैटिन ही है। चाहे वो दवाई अटॉर्वास्टैटिन हो, फ्लूवास्टैटिन हो, लोवास्टैटिन हो, रेजलफोर हो, कोई भी दवाई हो नाम, लेकिन अगर आप सॉल्ट चेक करेंगे तो सॉल्ट स्टैटिन ही होगा। गामा रिजनॉल की प्रभावकारिता स्टैटिन के बराबर है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आपको दिखाना चाहूंगी स्टैटिन के साइड इफेक्ट, बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, लेकिन आपको अमेरिका के FDA, क्योंकि US FDA आप सब लोग जानते हैं, उसकी चेतावनी दिखा देती हूँ 2012 की। उन्होंने चेतावनी जारी की कि स्टैटिन लेने से डायबिटीज, मसल डैमेज और मेमोरी लॉस होता है, और भी अनेकों दुष्प्रभाव होते हैं। और ये सिर्फ स्टैटिन पे नहीं, हर वो फार्मास्यूटिकल ड्रग पे लागू होता है। और जो मैं आपको 2014 के एक पब्लिश्ड इंटरनेशनल जर्नल की अभी कॉपी दिखा रही हूँ, जिसका टाइटल आप देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि गामा और रिजनॉल की एफिकेसी की प्रभावकारिता कोलेस्ट्रॉल को कम करने में स्टैटिन के बराबर है बिना किसी दुष्प्रभाव के। और भी अनेकों अध्ययन आपको जापान के मिल जाएंगे, अमेरिका के मिल जाएंगे, जो दावा करते हैं कि गामा और रिजनॉल जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए बहुत मददगार है, इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है उनमें, एंटी कैंसर है गामा और रिजनॉल, हमारे शरीर के जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है गामा और रिजनॉल, ये भी पब्लिश स्टडीज पड़ी हैं हमारे पास, लीवर पर सुरक्षात्मक प्रभाव देता है गामा और रिजनॉल, ये भी जापान के पब्लिश अध्ययन है, नागासाकी यूनिवर्सिटी में अध्ययन हुआ, टोक्यो यूनिवर्सिटी में अध्ययन हुआ कि शराब पीने से जो डैमेज होता है लीवर पर उसे ठीक करता है, लीवर सिरोसिस जैसी जो खतरनाक बीमारी उसे ठीक करता है गामा और रिजनॉल,
गैस्ट्रिक ट्रबल्स में राहत देता है गामा ओरिजिनोल, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ये भी पब्लिश स्टडीज हैं जापान में हुई हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर्स की रोकथाम में मदद करता है गामा ओरिजिनोल, सूजन को रोकता है गामा ओरिजिनोल, इन्फ्लेमेशन को रोकता है गामा ओरिजिनोल। सूजन हमें नहीं चाहिए, सूजन हमें और भी बीमारियों के करीब लेके जाती है, हमें अपनी मांसपेशियों में सूजन नहीं चाहिए, हमें अपने ऑर्गन्स में सूजन नहीं चाहिए, हर तरह की सूजन को रोकता है गामा ओरिजिनोल क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी है। ये भी यूरोप के ब्रिटिश जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में छपा है, ये जापान के अध्ययन में एक जर्नल में छपा है। जापान इसे 1970 में बेच रहा है महिलाओं के लिए उनके मेनोपॉज के फेज के दौरान, जो उन्हें दुष्प्रभाव, जो उन्हें साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, जैसे बाल झड़ना, जैसे वजन बढ़ना, जैसे कमजोरी होना, इन सभी साइड इफेक्ट्स पर काम करता है, उन्हें ठीक करता है मेनोपॉज के दौरान गामा ओरिजिनोल। हड्डियों को कमजोर होने से रोकता है गामा ओरिजिनोल, हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये अमेरिका में एक थीसिस सबमिट हुआ है। और थाईलैंड की स्टडीज का तो दावा है कि गामा ओरिजिनोल स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, हाइड्रेट करता है, एंटी एजिंग है गामा ओरिजिनोल। यूएसए, अमेरिका और इटली, इन दोनों कंट्रीज ने जॉइंटली एक स्टडी की जिसका दावा है कि गामा ओरिजिनोल न्यूरो प्रोटेक्टिव है, अल्जाइमर जैसी बीमारी के ट्रीटमेंट में मदद करता है गामा ओरिजिनोल। अमेरिका इसे स्पोर्ट्स वाले लोगों के लिए बेच रहा है, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, एथलीट्स हैं, क्योंकि उन्हें मेंटल टेंशन बहुत रहती है, उन्हें फिजिकल टेंशन बहुत रहती है, तो उनकी मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस को दूर करता है गामा ओरिजिनोल, फिजिकल टेंशन को दूर करता है, उनकी मांसपेशियां मजबूत बनाता है गामा ओरिजिनोल। एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनोल, जापान ने इसे रजिस्टर किया है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, अप्रूव्ड एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनोल। मोटापे की रोकथाम में भी मदद करता है गामा ओरिजिनोल, जिसका प्रूफ अगर आपने कल का हमारा सेशन देखा हो, यूट्यूब पे भी पड़ा है वो सेशन, बीसी सर ने खुद 12 किलो वेट कम किया है 45 दिनों में, और उन्होंने बोला कि गामा ओरिजिनोल ने मुझे बहुत सपोर्ट की, थायराइड उन्होंने ठीक किया है अपना, वो कह रहे हैं मेरा थायराइड पूरी तरह से क्योर हो चुका है, वो हेल्दी महसूस कर रहे हैं, उनका स्टेमिना बढ़ चुका है। आपको वो वीडियो भी हम आपको फ्लोट करेंगे, जेके जैन जी को भेजेंगे, वो आपको दिखा सकते हैं, और यूट्यूब पर भी पूरा सेशन पड़ा है, बीसी सर इंडोर्स कर रहे हैं गामा ओरिजिनोल को क्योंकि इसके फायदे ही फायदे हैं। अब आप आज से जो 15-15 मिनट अपनी लाइफ के हर दिन के गामा ओरिजिनोल को पढ़ने में देने वाले हो, वो आपको एक अलग लेवल पर पहुंचाने वाला है। ये वाकई में विजेता है, वाकई में विजेता है, ये हमें रोग मुक्त कर सकता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। अब भारत में आते हैं, वापस अपने देश में आते हैं, भारत में इसका क्या स्टेटस है? भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो और भी दो कदम आगे चली गई, लेट हुई लेकिन दो कदम आगे चली गई। वहां पर दवा के रूप में बिकता है, वहां पर भी न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में बिकता है, लेकिन FSSAI ने तो गामा ओरिजिनोल को न्यूट्रास्यूटिकल की लिस्ट में दर्ज कर दिया, अप्रूव कर दिया कि बिना डॉक्टर की सलाह से आप इसे ले सकते हैं और हर रोज लें, क्योंकि एक पौष्टिक औषधि है और ये आपकी डाइट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं, कोई भी कंपनी गामा ओरिजिनोल बना नहीं पा रही थी भारत में, लेकिन आपकी कंपनी एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, जो एकमात्र इकलौती कंपनी है भारत की, उस कंपनी ने भारत में पहली बार गामा ओरिजिनोल बना लिया, उसको तैयार कर लिया। और हम ही क्यों तैयार कर पाए, आपको बताना चाहूंगी कि अगर, जैसे बीसी सर भी बताते हैं कि अगर आपका पर्पस अच्छा है, अगर आपका मिशन अच्छा है, तो आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो कोई और नहीं, जो कोई और कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस मकसद के साथ गामा ओरिजिनोल भारत में लॉन्च किया गया या भारत में बनाया गया, हमने बनाया, हमारा मकसद यही है कि हमने अपने देश को स्वस्थ बनाना, अपने देश को रोग मुक्त बनाना है। इसी पर्पस के साथ गामा ओरिजिनोल तैयार किया गया और हमने कामयाबी पाली गामा ओरिजिनोल पहली बार भारत में बनाने में, पाउडर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने में, और हमने उसे भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से उसकी स्टडी करवाई और उन्होंने मोहर लगा दी हमारे बनाए गामा ओरिजिनोल पर कि आपका गामा ओरिजिनोल अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ट्राइग्लिसराइड भी कम करते हैं। यही नहीं, जापान भी सैंपल भेजा टेस्टिंग के लिए और जापान ने हमारी प्योरिटी 103.77% निकाल दी, यानी कि
उनका जो 100% का स्टैंडर्ड है वो भी हमने पीछे छोड़ दिया और 103.77% प्योरिटी का प्रोडक्ट दे दिया और उन्होंने 1800 किलो पाउडर भेजिए, 1800 किलो पाउडर हमें भेजिए, पैसे बताइए कितने चाहिए, दूसरी मेल में आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमने उन्हें रिप्लाई नहीं किया क्योंकि जिस मिशन के साथ हमने गामा ओरिजिनल बनाया है वो मिशन तो इससे पूरा होगा। हमने अपने गामा ओरिजिनल के साथ हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल्स लॉन्च किए आरसीएम के साथ मिलकर, वही नायाब तोहफा, क्योंकि आपको, आप कह रहे थे आपको गर्व है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड पर, हमें कितना गर्व है आरसीएम पर, वो आप इस तोहफे के साथ देख सकते हैं कि हमने आपको ही चुना गामा ओरिजिनल की सेल के लिए। और क्योंकि हमें पता है कि आरसीएम ही है, आरसीएम परिवार ही है जो गामा ओरिजिनल को घर घर तक पहुंचा सकता है और पूरे देश को रोग मुक्त कर सकता है, हेल्दी बना सकता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकता है। और इस कीमत के साथ लॉन्च हुआ हेल्थगार्ड गामा ओरिजिनल, आप देख सकते हैं सिर्फ 450 रुपए, सिर्फ 450 MRP में, जो बिल्कुल किसी के लिए महंगा नहीं है, हर एक व्यक्ति इसे ले सकता है बिना कोई टेंशन के। तो हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि आपका गामा ओरिजिनल तो 150 mg गामा ओरिजिनल दे रहा है एक कैप्सूल में, विदेशों के गामा ओरिजिनल के साथ अगर हम इसकी प्राइस कंपेयर करें तो 10% से भी कम प्राइस में आपका गामा ओरिजिनल आप दे सकते हैं लोगों को। और 150 mg का कैप्सूल, 103% प्योरिटी वाला प्रोडक्ट। अब इसके फायदे और प्राइस हमें पता चल गई, लेकिन इसे लेना कैसे है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सही तरीके से लेंगे तो इसके अद्भुत करिश्मे आपको फील हो जाएंगे। 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति इसे ले सकता है, 3 कैप्सूल हर रोज लेना है इसके सभी लाभों के लिए। मुझे मालूम है कि पहले हम 2 कैप्सूल इंडोर्स कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे साथ जो रिसर्चर्स और डॉक्टर्स की टीम्स जुड़ी हैं तो उन्होंने यह बताया कि सभी लाभ अगर आपने देने हैं, स्पेशली इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, तो आपको 3 कैप्सूल रेकमेंड करने ही पड़ेंगे। तो हमें सबको हम मैसेज दे रहे हैं और हमने नए लेबल भी बना लिए हैं जिन पर लिखा आएगा कि 3 कैप्सूल लेने हैं सुबह, दोपहर और शाम, खाने से तुरंत पहले। बस अपनी थाली में रख लीजिए उसे, अपने डाइनिंग टेबल पर रख लीजिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं हम भूल जाते हैं 3 कैप्सूल लेना, तो उनको अगर कभी भूल भी जाए, पहले तो आदत बनाने की कोशिश कीजिए, अगर कभी भूल भी जाए तो आपको रात को अगर याद आया है तो 3 कैप्सूल इकट्ठे भी ले सकते हैं, लेकिन वो 3 कैप्सूल वाली डोजेज जरूर लेनी है। किसी भी फार्मा दवा, किसी भी डायट्री सप्लीमेंट, किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट के साथ ले सकते हैं। गर्भवती महिलाएं इसे डॉक्टर की सलाह से लें। और कुछ लोगों का आपको दिखाना चाहूंगी एक्सपीरियंस इसका। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप इतने अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में कैसे बोल पाते हैं, तो सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस ही बता देती हूँ कि मैं इतने अच्छे से, इतने विश्वास के साथ क्यों बोल पाती हूँ। मैंने खुद 17 किलो वेट लूज किया है अपनी वेट लॉस जर्नी पर गामा ओरिजिनल की मदद से, और ये आपको दिखा भी रही हूँ कि अखबार में भी मेरी स्टोरी पब्लिश हुई कि मैंने 50 दिनों में 17 किलो वेट कम किया। और आपको अपनी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने कीटो डाइट फॉलो की थी। कीटो डाइट में तेल खाना होता है, थोड़ा सा मक्खन भी खाना होता है, तो मुझे कोलेस्ट्रॉल की बहुत टेंशन थी, मेरे घर वालों को कोलेस्ट्रॉल की बहुत टेंशन थी कि कहीं तुम अपना कोलेस्ट्रॉल मत बढ़ा लेना। तो मैंने गामा ओरिजिनल साथ में लेती रही, रेगुलर लेती रही, मैं हर रोज मैंने लिया और मेरे रिजल्ट कोलेस्ट्रॉल के इतने अच्छे आए हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ सामने मेरी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट, क्योंकि बहुत छोटा फॉन्ट है तो चार्ट फॉर्म में मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा अच्छा कोलेस्ट्रॉल 50% बढ़ गया, बुरा कोलेस्ट्रॉल 20% कम हुआ, VLDL कोलेस्ट्रॉल 44% कम हुआ, बहुत बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है VLDL, ट्राइग्लिसराइड 44%, ट्राइग्लिसराइड हमें बिल्कुल नहीं चाहिए हमारे शरीर में, 44% कम हुए। मेरा आत्मविश्वास एक अलग लेवल का है इस प्रोडक्ट के, मुझे फायदा हुआ है, मैं चाहती हूँ हर किसी को फायदा हो। और कुछ आप लोगों से ही मुझे कुछ टेस्टिमोनियल्स आए हैं, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है लगातार उन्हें कुछ फायदे महसूस हुए हैं, आप देखिएगा।
आज मैंने आपने जो टेस्ट करवाए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं. थैंक यू हेल्थकार, थैंक यू गामा. और वन वीक से गामा ओरिजिनल की दो टेबलेट खाली पेट ले रहे हैं और पूरा पूरा आराम है उसमें. जैसे बोलने में दिक्कत आ गई थी, अटक अटक के बोल रहे थे तो वो, और हल्की सी हाथ की मूवमेंट में दिक्कत आ रही थी, वो भी ठीक हो चुकी है. तो मुझे प्राउड है गामा ओरिजिनल के ऊपर. और जनवरी अगस्त से आज तक मार्च मैं फरवरी लास्ट 28 तक 10 टेबलेट लिपेस जान के रख देते, 6 टेबलेट यूज हुआ और यूज टोटल बंद हो गया. अभी मैं महीने में 30 टू लगता था, अभी मैंने जस्ट 8 महीने में 6 टू टेबलेट लगा. माय वेरी क्लोज नर्वस, इट इज गॉन, इट इज नॉट एबल टू फाइंड आउट नाउ. दो महीने से इसको ले रहे हैं लगातार. अभी हम लगभग 10 मिनट अच्छी तरह से दौड़ लेते हैं और पौन घंटा के आसपास व्यायाम कर ले पा रहे हैं. कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इसका. लगता है ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा बनाता है. बहुत बहुत धन्यवाद. पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मेरा स्टेमिना भी बढ़ा है. पहले सीढ़ियां चढ़ने के दौरान मुझे थकावट महसूस हुआ करती थी, मैं कंफर्टर में सीढ़ियों को चढ़ लिया करता हूँ. और उसके साथ साथ कुछ गैस ट्रेवल भी मुझे था जिसमें भी पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ. क्या दो महीने में मुझे बहुत कहीं बहुत ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है. जो चेहरे मेरे बहुत क्लियर हुए हैं. जिस रोज से लेना है शुरू किया उसी रोज से मेरा डेंटल जो है ऑलरेडी टोटली बंद है. और अभी जो है काफी अच्छा फीलिंग हो रहा है. और ये जो माथा जो झुड़ने का भी जो था वो टोटली जो है अभी स्टॉप है. और बहुत अच्छा अपने आप को अंदर से भी फीलिंग आ रहा है. तो शुरुआत में जेके जैन जी ने कहा था कि आप लोगों ने भी काफी फायदे महसूस किए हैं. तो ये फायदे सिर्फ अपने आप तक सीमित मत रखिए, पूरे देश को, क्योंकि हमने पूरे देश को स्वस्थ बनाना है. क्योंकि इस तरह की जंग जो चल रही है देश में वो हेल्थ से ही जीती जा सकती है. और ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ हम अपनी इकोनॉमी को भी बड़ी जल्दी ऊपर लेके जा सकते हैं. तो मेरी सेहत का गार्ड है हेल्थ गार्ड.